जब तक बनेगा नहीं लोग तैयार नहीं, ऑनेस्टली बनना। और ये इस तरह का सिनेमा नहीं है। या एग्जैक्टली, दिस इज नॉट अ बॉन्ड फिल्म। अच्छा आप एक बात बताइए, आप देखने जाएंगे ये फिल्म? हाँ, तो बस अगर आप देखने जाएंगे तो यानी कि हम, हमारी जीत है, हमारी विक्ट्री है, हमें यही करना है, क्योंकि बाकी नॉर्मल ऑडियंस भी आप ही के जैसी है, वो भी ये फिल्म देखने इसलिए जाएगी क्योंकि वो एक इंसान की लाइफ, उसकी जर्नी देखना चाहते हैं। एक्चुअली मस्तराम जो है एक फिक्शनल बायोग्राफी है। मस्तराम एक्चुअली एक इंसान का पेन नेम है जो कि किसी को भी नहीं पता उसका रियल नेम क्या है। तो हमारी फिल्म जो है उस बंदे के बारे में है जो कि सॉफ्ट पॉर्न, जिसने हिंदी बेल्ट में इंडिया में शुरू किया था 1980s के आसपास, उसकी फिक्शनल बायोग्राफी है। नहीं गुंजन मेरे वाले, पूरा हो गया उसका, मेरा उस सपना पूरा हो गया। मैं तो बचपन से पढ़ता आ रहा था, बिकॉज आई कम फ्रॉम दिल्ली, तो मैंने तो बचपन में बहुत मस्तराम पढ़ी है। बचपन में नहीं, मतलब जब मैं थिएटर करता था। सो जब मुझे पहली बार गुंजन ने और अखिलेश ने स्क्रिप्ट दी थी तो एक तरफ तो मुझे लगा अरे वाह यार क्या बात है, और दूसरी तरफ मुझे लगा यार ये कैसे, मतलब कोई बना भी सकता है ये फिल्म। एंड दैट करेज एंड दैट ऑनेस्टी विच गुंजन एंड अखिलेश हैड, दैट कंपेल्ड मी टू डू दिस फिल्म। आप किसी को भी, मतलब आप किसी भी फेमस, मतलब एनी ऑफ द वेल नोन सिंगर्स और समथिंग, इफ यू यूज देयर सॉन्ग्स देन ऑब्वियसली उनके भी फैन सुनेंगे गाने। But I think he is a perfect person for our film because firstly, you know, he loved the film when he watched it, and secondly, I Gunjan has told me that when he watched it, he said, "This is my story," you know. So he also connected to the story. So I think, in a way, it's also meant to be that he's done a song. This is his first movie. Right? Yes. Honestly, मुझे पता नहीं था कि मस्तराम है कौन exactly. जब मैंने script when I read the script, but after that when we shot the film and when we came back, then I found out who Mastram is or wo kitne famous hai, and he's actually somebody who's like he was the first porn writer in India, and he was so famous. And so yes, for a moment over there I did feel ki, you know, is this the right decision? But then when I watched the film and things like that, and when I read the script at that time, I was bowled over. मतलब मुझे इतनी पहले तो हंसी आई और I just loved the story. I loved the story. Actually, हाँ कुछ भी ऐसा फिल्म में है नहीं है। आप, मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि ये फिल्म ही उस इंसान के बारे में है जिसने इस तरीके की कहानियाँ लिखी हैं। अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमारी तरफ से कोई भी सेंसेशनलाइजेशन करने की कोई हमारी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई है। वी आर ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी, अ गाय हु यूज टू राइट अ सॉफ्ट पॉर्न, दैट्स ऑल। वैसे आइडियली देखा जाए तो उन्हें यूनिवर्सल देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से सेक्स एजुकेशन की क्लास है जो कि मुझे लगता है इसे टैक्स फ्री करना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या देते हैं वो लोग। मस्तराम के बारे में कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इसमें ये है क्या मिलेगा। आई लाइक टू से, आप लोग जर्नलिस्ट हैं तो आप लोग ग्लैमर में रहते हैं, फिल्म कवर करते हैं, बट आपकी रेगुलर लाइफ तो बहुत नॉर्मल होगी ना। आप घर जाते होंगे, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे, बच्चों के रहते होंगे और सो जाते होंगे, आपका ये जॉब है। तो ये कहानी उसी राइटर की जो पॉन लिखता है, बट ही इज नॉट समबडी हु वेरी, जो उसको हमेशा ये सेक्सिस्ट माइंड में रहता है, वैसा नहीं है, वेरी सिंपल गाय। टू नो मोर अबाउट योर फेवरेट सुपरस्टार, सब्सक्राइब टू बॉलीवुड वाला नाउ एंड हिट लाइक इफ यू लाइक दिस स्टोरी।